ये नजारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का है। साथ ही आपको ये बता दें कि अधीक्षक फतेहपुर तथा महिला थाने में पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बावजूद महिला पुलिस ने पीड़िते का बयान तो दर्ज किया लेकिन FIR दबंगों के खिलाफ नहीं दर्ज की गई, जिससे दबंग खुलेआम घूमते रहे और धमकियां देते रहे। अब इसी के साथ साथ पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। मैंने फतेहपुर के लोगों से कहा था कि अगर हुसैनगंज में एक भी अन्याय हुआ तो वो मैं मान के चलूँगा कि अन्याय बहुत ही गलत तरीके से हुआ है और मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। मैंने कहा था कि मैं प्रयागराज से फतेहपुर तक आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि हुसैनगंज विधानसभा में हुआ अन्याय वो मैं माना जाएगा कि मेरे अपने लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे भाई बंधुओं के साथ अन्याय हुआ है। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूंगा जिसके खिलाफ ये घटना घटी है, क्योंकि यह गैरकानूनी तरीका है। पाल समाज की एक बच्ची को एक एप्लीकेशन पड़ा है 16 तारीख को SP फतेहपुर के यहाँ कि पाल समाज की एक बच्ची को जो रात में 9 बजे शौच के लिए निकली थी वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके ज़बरदस्ती उसका बलात्कार किया है और उस व्यक्ति का नाम है आशीष आशुतोष मिश्रा जी। अब आप लोगों को कुछ और जानकारी बढ़ाने के लिए मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। रात 9 बजे अपने घर के करीब बाग की तरफ शौच के लिए गई थी प्रार्थिनी के घर। वापस लौटते समय बाग के गांव के ही आशुतोष मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा अचानक आ गया, यानी आशुतोष मिश्रा ने जो कि दिनेश मिश्रा जी का पुत्र है और दिनेश मिश्रा जी लेखपाल है, उसने उस लड़की का बलात्कार किया है। तो हुसैनगंज थानाध्यक्ष यह बेहतर समझ लें कि फतेहपुर में हुसैनगंज में अगर कोई घटना हुई तो इसको नहीं सहा जाएगा। अगर आज शाम तक FIR दर्ज नहीं होती है, आप स्पष्ट सुन लीजिए, आज शाम तक FIR दर्ज नहीं होती है हुसैनगंज थाने में तो कल से प्रयागराज में आंदोलन होगा। और मैं कौन हूँ, मेरा परिचय आप लोग जान लीजिए।